नमस्कार, मुजफ्फरपुर न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबर। आमजनों की समस्या को लेकर जसौली में आमजनों की हुई बैठक। मुजफ्फरपुर जिला के कथैया थाना के जसौली पंचायत के सरकारी भवन परिसर में आमजनों की समस्या, रिश्वतखोरी, स्वास्थ्य शिक्षा में कमी को लेकर जागो नौजवान जागो किसान संगठन का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंकज जसौली वाला ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का वर्चस्व सही नहीं है और अपनी वर्चस्व बनाने के लिए गलत मामले में लोगों को मुदालब बना देते हैं। वृद्ध को पेंशन समय पर नहीं मिल रहा है, न ही स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को दवाइयां मिलती हैं, न ही किसानों को सुविधा दी जाती है, न ही बेरोजगार युवकों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराई जाती है। अगर ऋण मिलने की बात भी होती है तो कमीशन की मांग की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि समस्याओं को लेकर नव गठित संगठन जागो नौजवान जागो किसान की लड़ाई शुरू करेंगे। इधर समाधान को लेकर होने वाले आंदोलन की रणनीति जल्द ही घोषित की जाएगी। इस दौरान संरक्षक के तौर पर पूर्व जिला पार्षद शिवनाथ पांडे, रामशीष भगत, मनीष पाठक, कुंदन तिवारी, रामचंद्र महतो, नवल सिंह, संजय राम, संतोष पांडे, रीता देवी, महावीर महतो सहित अन्य उपस्थित थे। पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे, हमारे मनीष पाठक जी हैं, हमारे संजय राम जी हैं, हमारे पूर्व पंचायत समिति नवल सिंह जी हैं, ये सारे लोग, दिनेश राम जी हमारे पूर्व वार्ड मेंबर हैं, सारे भाई हमारे पिंटू पाठक जी हैं पकड़ी के, हम सारे लोग जुटे हुए हैं और लोग हम लोग अपने जसवली के लोग हैं, हम लोग इसका गठन कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग हमें अपेक्षित है कि आप लोग हमें सहयोग करिएगा। अब सारी चाबियां उसके ऊपर से और जाता है और धरातल पर उतरता नहीं है। जैसे पंचायती राज का भवन बना, इसमें कोई आता नहीं है। तो अधिकारियों का सरकार में बहुत कम योगदान है, सरकार में ना उसको उतना पैसा है कि शिक्षक बहाल कर सके, ना डॉक्टर बहाल सके। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मोज न्यूज़।